नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। भारत और चाइना के सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, उससे पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। हर तरफ चाइनीज और चाइना के सामानों का विरोध हो रहा है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने विरोध किया। चाइना से जुड़ी कंपनी के होर्डिंग्स पर कालिक पोता और नो चाइना लिख विरोध किया। खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेसीबी पर सवार होकर पटना के कोतवाली थाना के समीप लगे होर्डिंग पर कालिक उन्होंने पोता। उस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, क्रिकेटर प्रचार कर रहा है, हीरो प्रचार कर रहा है, आप बैन नहीं लगाते हो, क्या कारण है कि बैन नहीं लगता, इसलिए आप नहीं करेंगे तो जनता जागरूक है, जनता की जागरूक की चाइनीज सामान ना खरीदे, लगातार उनकी हमला की जो प्रवृत्ति है जारी रहेगी। सरकार मौन है, फिर 72 घंटे के बाद आकर फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए। बिहार सरकार, पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के 6 लोग शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। सीएम नीतीश बाबू के कुकर्मी के पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया और जब रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए, टोटल सबके सब मरे, ऐसे में नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। पप्पू यादव क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं और सरकार पर किस तरह हमला कर रहे हैं, आइए वो भी आपको हम सुनाते हैं। मामलों के विशेषज्ञ हैं, ये रिपोर्ट में बोले हैं कि खुफिया एजेंसी फैल हो चुकी, भारतीय सेना के आला अफसर सारा दोषी, उत्तरी कमान के प्रमुख माडा डालना चाहती। कोरोना महामारी ये भारतीय सैनिक किन जगहों तक गश्त लगाए करते थे, वैसे 4 बिंदु हैं जो आज उनके अंडर में जा चुके हैं। पीटी 14, 16, 18, 19 ये सब उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया और वह इलाका है जिस पर भारतीय सेना गश्त लगाए करती थी। तो आप क्या चाहते हैं, आप 60 भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीनी चीनी कब्जे में हो चुका है, आप तब से मौन थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है और देश की 220 कंपनियों का चीन के साथ, 220 कंपनियों चीन के साथ आश्चर्य होगा, लीगल कनेक्शन है, लीगल। और इतना ही नहीं, लगभग भारत की दर्जनों कंपनी चीन के भारी निवेश कर चुका है। टेंसेंट ने भारत में इस कंपनियां सुनवाई, कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्थिकास 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोसुन आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिलाउस कैपिटल 5, स्टार्टअप्स 29,000 करोड़, स्मार्टफोन 70%, होम एम्प्लायंस बाजार 20%, ऑटो कंपोनेंट 26%, फॉर्मुलिस्टिकल 60%, सोलर पावर रोल भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 MD, 90% शेयर चाइनीज का है। अब आप हमको बताइए कि आखिर क्या होगा। आप लगातार पूरी दुनिया में, आपका अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, ये हीरो प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार क्रिकेटर कर रहे हैं, आप बैंड नहीं लगाते हो, क्या कारण है कि बैंड नहीं लगता है। तो इसीलिए आप यदि नहीं करोगे तो जनता को जागरूक करेंगे कि आप चाइनीज कोई सामान ना खरीदें, लगातार उनकी हमला की प्रवृत्ति जारी है, सरकार मौन है, सिर्फ 72 घंटे के बाद आकर के फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए। बिहार सरकार, 6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया और जब बिहार रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए, टोटल मरे, तो उसके बाद नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने सभी 6 बिहारियों को जो शहीद हुए हैं, 1-1 लाख रुपया हम निर्णय लिया है देने का और साथ साथ अविलंब पूरे भारत में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रोकिए और जो बड़े बड़े लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत रोक लगाइए। भारत के लोग, तमाम लोग हर जगह प्रतिरोध
प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे में सभी और यहाँ पे वो जितने भी कंपनियां हैं उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं पटना में शिखर को। तो आपने सुना राज्य सरकार को जमकर घेरे में लिया और जमकर कटाक्ष किया निशाना साधा पप्पू यादव ने, और ये भी कहा कि चाइनीज सामान का विरोध आम जनता कर रही है क्योंकि वो जागरूक हो चुकी है, लेकिन सरकार कब करेगी। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।